सो हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। और जो आपने प्रीव्यू में वीडियो देखा था 3D जूम वाला, कुछ उस टाइप की वीडियो के एडिटिंग करने वाले हैं। और ये जो है रील्स पे काफ़ी वायरल चल रहा है और आपके जो आपको भी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा आपके इंस्टाग्राम पेज पे। सो कुछ इस टाइप की वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को जो है एंड तक देखना है। और जो भी मैं मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ सबका डाउनलोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। सो आपको जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। और जो भी इस चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। सो आपको क्या करना है, सो आपको जो है एक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा एक ऐप का, सो उसका नाम है कैपकट। सो उसको आप अपने जो है डाउनलोड करना लेटेस्ट वर्जन का। सो लेटेस्ट वर्जन का डाउनलोड कर लेने के बाद आपको जो उसको ओपन करना, सारी एडिटिंग वहीं से होने वाला है। सो उसको ओपन कर लेना डाउनलोड करने के बाद। तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ से जो मैं अपने कैपकट को ओपन कर रहा हूँ, सो यहाँ से मैंने कैपकट को ओपन किया, देन आपको इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। सो आपको जो प्लस पे टैप करना है, यहाँ पे जो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है न्यू प्रोजेक्ट, सो इस पे टैप करना है। देन इसको परमिशन दे देनी है। देन आपको जो है एल्बम के नीचे दिख जाएगा वीडियो और फोटोज़ का। सो फोटोज़ में चले जाना है। देन यहाँ से आपने डिफरेंट नौ फोटो सेलेक्ट करना। सो 9 से 10 फोटो सेलेक्ट कर लें। सो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ फोटोज़। सो यहाँ से मैं जल्दी से फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। सो यहाँ से मैं फोटोज पहले सेलेक्ट कर रहा हूँ। सो आपको भी इसी टाइप से फोटोज को सेलेक्ट करना है। सो यहाँ से मैंने फोटो सेलेक्ट कर लिया, देन ऐड पे टिक करना, देन आपको जो है फोटोज ऐड हो जाएंगे। सो कुछ इस टाइप से आपको जो देखने को मिलेगा फोटोज आपके सारे। सो एंडिंग में आओगे तो यहाँ एक कैपकट का लोगो दिखेगा। सो इसको डिलीट कैसे करना, इस पर आपने टैप करना। सो कुछ इस टाइप से टैप करोगे तो आपको जो है डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा। सो इस पर टैप करके डिलीट कर लेना। सो आपको जो है इस टाइप से देखने को मिलेगा। सो आपको फुल स्क्रीन बनाना है। सो उसके लिए आपको क्या नीचे ऑप्शन दिख रहा है, सो इसको आपने स्लाइड करना, देन फॉर्मेट का ऑप्शन दिख जाएगा। सो इस पर टैप करना, देन फॉर्मेट के ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ से आपने रेशियो सेलेक्ट कर लेना 9:16 का, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना। सो आपका जो किस इस टाइप से देखने को मिलेगा, सो इसको फुल स्क्रीन लाना है। सो इस पर इमेज पर टैप करना, देन आपको जो इमेज पर टैप करने के बाद कुछ इस टाइप से जूम करना। सो कुछ इस टाइप से आपको जूम करके सारे इमेज को आपने जो फुल स्क्रीन ले आना है 9:16 रेशियो का बना लेना। सो कुछ इस टाइप से आपको भी अपने इमेजेस को जूम करना। तो यहाँ से मैं सारे इमेजेस जितने भी सेलेक्ट किए हैं सो उनको मैं जो है जूम कर लेता हूँ पहले, देन आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। सो अब मैं इस टाइप से जूम कर रहा हूँ, आपको भी कर लेना। सो यहाँ पे मैंने जो सारे इमेजेस को फुल स्क्रीन कर लिया है, सारे इमेजेस को जो है जूम कर लिया है। जूम कर लेने के बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आना, देन आपको जो कुछ इस टाइप से इमेजेस दिख जाएगा। सो आपको जो है ऑडियो ऐड करना। सो ऐड ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा है फोटो वाले लेयर के नीचे। सो उस पर आपने टैप करना प्लस पे, देन आपका जो अगर वीडियो में तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो में टैप करना, देन आपको जो है यहाँ से वीडियो सेलेक्ट करना। सो ये वाले वीडियो को मैं जो है एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर रहा हूँ। सो देन इंपोर्ट ओनली ऑडियो पर टैप करके इसको जूम इंपोर्ट कर लेता हूँ। देन आपको क्या करना है, कुछ इस टाइप से अपने देखने को मिलेगा। सो आपको क्या करना, फर्स्ट वाला इमेज होगा सो आपने इस पर टैप करना। सो इसका जो है एंड स्टार्टिंग में दिख रहा आपको 3 सेकंड लिखा हुआ। सो पहले वाले इमेज को 3 सेकंड, देन आपको जो है यहाँ से प्ले करके देखना। सो आपका बीट कहाँ पे आ रहा है, सो यहाँ पे मेरा पहला बीट यहाँ पे आ रहा है। तो देन यहाँ पे मैं कुछ इस टाइप से कट कर लेता हूँ एक्स्ट्रा पार्ट को। सो जहाँ पे आपका बीट आएगा वहाँ से आपने अगले इमेज को लाना है। सो कुछ इस टाइप से यहाँ पे मेरा दूसरा बीट है, सो यहाँ पे आ गया, देन इसको जो है कट कर लेता हूँ इमेज को। सो कुछ इस टाइप से आपको फिर से एक बार प्ले करके देखना, देन आपको जो है जहाँ पे बीट आता है वहाँ से आपने अगले इमेजेस को लाना है। सो यहाँ से मैं पहले बीट एडजस्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ से मैं बीट एडजस्ट कर लेता हूँ, देन आपको बताता हूँ क्या करना। सो यहाँ से जो मैंने अपने इमेजेस को इंपोर्ट कर लिया है, सेट कर लिया बीट के अकॉर्डिंग। सो आपको भी सेट कर लेना बीट के अकॉर्डिंग। देन आपको जो है जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट इमेजेस के दिख रहे हैं, इमेजेस एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, सो उन सबको डिलीट कर देना। सो यहाँ से भी मैं डिलीट कर रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस से। सो उनको डिलीट कर लिया मैंने। सो डिलीट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो है इफेक्ट लगाना। सो इफेक्ट लगाने के लिए आपको जो है स्टार्टिंग में आना। सो पहले उससे पहले आपको जो देख लेना आपका जो है बीट के साथ आपका इमेजेस चेंज होता है या नहीं। सो यहाँ से मैं वही देख रहा हूँ कि मेरे जो सारे बीट के साथ इमेजेस ऐड हो रहे हैं या नहीं। सो यहाँ से कुछ इस टाइप से मेरा देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे मैंने सारे इमेजेस अपने बीट के अकॉर्डिंग
मैंने एडजस्ट कर लिया। सो आपको अब आपको क्या करना, आपको जो है स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आ जाने के बाद आपको जो है इमेज पर टैप करना है। सो इमेज पर टैप कर लेने के बाद आपको जो है ये ऑप्शन दिख जाएगा। सो स्लाइड करोगे तो आपका जो है स्टाइल का ऑप्शन नहीं दिखेगा। सो स्टाइल का ऑप्शन लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो है क्या करना है, आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है कैपकट का, सो इसको इंस्टॉल करना। सो इसको इंस्टॉल कर लोगे तो ये लेटेस्ट वर्जन है, तो इसमें भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो अब आपको क्या करना, आपको जो है पहले आपको जो है बैक आ जाना है, देन ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, सो इस वाले कैपकट को अनइंस्टॉल मार लेना अगर आपने इंस्टॉल पहले से किया हुआ है। तो आपको अनइंस्टॉल मार लेने के बाद आपको क्या करना, आपको जो है एक VPN को इंस्टॉल मारना। सो VPN को इंस्टॉल कर लेना। सो वो वाला VPN कौन सा है, सो वो वाला VPN है जो उस VPN का नाम है टर्पन VPN। सो आपको जो है इसको इंस्टॉल कर लेना, देन आपको जो है इसको कनेक्ट करके फिर आपको जो अपने कैपकट को इंस्टॉल करना। सो कैपकट को इंस्टॉल करोगे तो आपको जो है देखने को मिल जाएगा स्टाइल वाला इफेक्ट। सो मैंने भी कर लिया, देन यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट जो है चेंज हो गया, आपको इमेजेस चेंज होते हुए दिख जाएगा। सो थोड़े बहुत इमेजेस चेंज है, तो मैंने जो है यहाँ पे कैपकट को वही सेम प्रोसेस से इंस्टॉल कर लिया। देन आपको क्या करना, आपको इमेज पे टैप करना, देन स्टाइल का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इसको अलाउ करना। देन आपको जो यहाँ से 3D जूम पे टैप करना, देन आपको जो है ये इफेक्ट लग जाएगा कुछ इस टाइप से। सो आपको इफेक्ट लगा लेना और इसको जो है फुल होते देना, फुल होने देना 100%, देन आपको 100% हो जाएगा। सो कुछ इस टाइप से आपको जो देखने को मिलेगा 3D जूम। सो आपको जो है अगले इमेज पे भी लगाना। सो इमेज पे टैप करना, देन आपको जो है स्टाइल के ऑप्शन को ढूंढ लेना। सो स्टाइल के ऑप्शन में जाने के बाद आपको 3D जूम पे चले जाना, देन यहाँ से आपको जो है इसको 100% होने देना। सो 100% होने तक आपको जो है वेट करना। सो यहाँ पे आपने जो VPN कनेक्ट किया है उस वजह से आपका जो इंटरनेट थोड़ा स्लो चलेगा। सो आपको जो है थोड़ा सा पेशेंस रखना। देन यहाँ पे जो है आपको जो है इफेक्ट लगाने के लिए आपको सभी इमेजेस पे टैप कर नहीं करना बार बार, देन आपको जो है स्टाइल में बार बार नहीं जाना। सो कैसे करना, आपको जो है इस टाइप से आपको जो है पहले होने देना, फर्स्ट ये वाले इमेज को होने देता हूँ, देन आपको क्या करना ये 100% हो जाएगा। सो इसको आपने जो स्लाइड करना है इस वाले इमेज को, सो ये 100% हो गया, देन स्लाइड करना तो अगले इमेज पे खुद आ जाओगे। देन आपको जो है 3D जूम पे टैप करना, देन ये जो इफेक्ट लग जाएगा। सो कुछ इस टाइप से आपको जो है सारे इमेजेस पे इफेक्ट लगा लेना है, यही वाला 3D जूम वाला। देन आपको जो है वीडियो बन के तैयार हो जाएगा। सो यहाँ से मैं सभी इमेजेस पे इफेक्ट लगा रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट वीडियो कर दिया। सो आपको भी इफेक्ट लगा लेना कुछ इसी टाइप से। सो यहाँ से मैंने जो है इफेक्ट लगा लिया कुछ इस टाइप से, और देन ये जो है मेरा लास्ट वीडियो का इफेक्ट है। सो ये वाला लास्ट है, सो इस पे भी मैं लगा लेता हूँ। देन आपको क्या करना मैं बताता हूँ, सो यहाँ से मैं एक बार ही प्ले करके बताऊंगा कि मेरा जो वीडियो कैसे बना है। सो यहाँ से मैं स्टार्टिंग में आ जाता हूँ। सो प्ले करने से पहले मैं बता रहा हूँ उसे आपको जो कैसे एडिट करना। सो सबसे पहले आपने जो 10 इमेजेस सेलेक्ट करना, देन ऐड म्यूजिक करना। सो म्यूजिक ऐड कर लेने के बाद आपको जो है फोटो वीड के साथ फोटोज़ को एडजस्ट करना, देन आपको जो है इफेक्ट लगाना स्टाइल वाला। सो स्टाइल वाला इफेक्ट लगाने के बाद आपको जो है कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा वीडियो। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। सो आपको अब क्या करना, आपको जो एक्सपोर्ट कर लेना इस वीडियो को। सो यहाँ पे जो है क्वालिटी पहले से सिलेक्ट होता है, फुल होता है। सो फ्रेम रेट सेट कर लेना। सो गाइस कैसी रही आज की वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी इस चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर जो हर वीडियो के लिंक और नोटिफिकेशन मैं दे देता हूँ। देन आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना इंस्टाग्राम के आईडी